दोस्तों आप जब भी अपने YouTube वीडियोस के लिए एक अच्छे थंबनेल्स को क्रिएट करते होगे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन के हेल्प से दोस्तों थंबनेल्स को क्रिएट करते हो, चाहे दोस्तों आप पिक्स आर्ट के हेल्प से करते हो या फिर पिक्सल लैब या फिर दोस्तों कैनवा या फिर इसी तरह के और भी जो भी थंबनेल मेकर एप्लीकेशन है उसके हेल्प से दोस्तों आप थंबनेल्स को क्रिएट करते हो, देन दोस्तों जब क्रिएट करते हो देन आउटपुट तो आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी आपको देखने में लगती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर तब आ जाती है जब भी दोस्तों उस थंबनेल्स को आप यूट्यूब वीडियो के साथ YouTube पे अपलोड करते हो, देन दोस्तों उस थंबनेल का जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है, एंड आपका जो फोटो होता है उसमें या फिर कोई भी फोटो आप थंबनेल्स वगैरह में ऐड करते हो तो उसका क्वालिटी दोस्तों ब्लर टाइप हो जाता है, उसका क्वालिटी बिल्कुल से डाउन हो जाता है। तो उस कारण से दोस्तों आपने जितना भी मेहनत किया रहता है उस थंबनेल्स को बनाने में तो वो सारा मेहनत आपका तुरंत बर्बाद हो जाता है। दोस्तों ये जो सेम प्रॉब्लम है आज से कुछ दिन पहले मैं भी फेस कर रहा था, एंड दोस्तों यूट्यूब पे गूगल पे दोस्तों इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आखिर क्या प्रॉब्लम है जो मैं थंबनेल अपलोड करता हूँ उसके बाद मेरा क्वालिटी डाउन हो जाता है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, बहुत सारी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ी, बट दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे कोई एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। मैं हर तरह बहुत बार तो मैंने दोस्तों एप्लीकेशन को भी चेंज किया कि हो सकता है जिस एप्लीकेशन के साथ मैं थंबनेल्स बना रहा हूँ उसमें ही कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैंने दोस्तों हर लगभग जितना भी एप्लीकेशन है पिक्सआर्ट पिक्सल लैब कैनवा इस तरह के जो भी एप्लीकेशन है सारा एप्लीकेशन मैंने ट्राई किया, एंड दोस्तों बट रिजल्ट सेम होता था जब भी मैं अपलोड करता था, देन दोस्तों फिर मेरा जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाता है। बट अगर दोस्तों आज की इस वीडियो को देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, एंड जब भी आप अपलोड करोगे तो आपका थंबनेल जिस क्वालिटी में आपने क्रिएट किया HD में किया है या मतलब किसी भी क्वालिटी में आप किया है तो सेम क्वालिटी में दोस्तों आप यूट्यूब पर जब भी अपलोड करोगे तो वो सेम क्वालिटी में रहेगा, उसका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल से डाउन नहीं होगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो दोस्तों आप जा सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड कुछ पिछले वीडियोस आप चेक करो, वो वीडियो का थंबनेल्स आप चेक करो एंड अब का थंबनेल्स चेक करो तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने मेरा कितना ज्यादा सुधार हुआ, एंड जब भी मैं अपलोड करता हूँ थंबनेल तो मेरा जो थंबनेल का क्वालिटी है वो डाउन नहीं होता। सो अगर आप भी दोस्तों इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो बस एंड तक बने रहना वीडियो, तो चले करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड। दोस्तों आप थंबनेल किसी भी एप्लीकेशन के मदद से बनाते हो, चाहे आप पिक्सआर्ट के मदद से बनाते हो या पिक्सल लैब्स के मदद से बनाते हो, मैटर दोस्तों इससे नहीं करता। मैटर यहाँ पे ये करता है कि दोस्तों जब भी आप थंबनेल्स बनाते हो तो थंबनेल्स बनाने टाइम दोस्तों कुछ बातें होती है जो जिस बातों को अगर अच्छी तरह से आप देखते हो, अगर उस बात पर अच्छी तरह से ध्यान देते हो तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों आप जब भी अपने थंबनेल्स को बनाओगे एंड उसके बाद यूट्यूब पर अपलोड करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका थंबनेल का क्वालिटी कभी भी डाउन नहीं हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले अगर आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के साथ अपने थंबनेल्स बनाते हो तो उसके बारे में बताते हो तो थंबनेल्स बनाने टाइम आपको क्या बात का ध्यान रखना चाहिए। तो सपोज दैट दोस्तों हमें ये थंबनेल बनाना था एंड मैंने ये थंबनेल बना लिया, एंड अपने अकॉर्डिंग आप सबसे पहले जो भी थंबनेल्स आपको बनाना है जिस तरह से भी बनाना है सबसे पहले आप अपना थंबनेल्स को क्रिएट कर लेना। थंबनेल्स को क्रिएट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है क्या दोस्तों, प्रॉब्लम कब आती है दोस्तों, आप एक गलती करते हो जब भी आप दोस्तों वीडियो को आप सेव करते हो, लाइक सपोज दैट मैंने इस वीडियो को सेव किया एंड सेव करने के बाद दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो तीन ऑप्शन आपको दिया गया, फर्स्ट दिया गया सेव एज PNG, सेकंड दिया सेव एज JPNG एंड लास्ट दिया है सेव एज PDF। तो दोस्तों आपको यहां पे करना क्या है दोस्तों, कभी भी थंबनेल्स को JPG फाइल में सेव नहीं करना है, कभी भी नहीं। जैसे ही दोस्तों आप JPG फाइल में अपने थंबनेल्स को सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली से दोस्तों अभी जब अपना वीडियो को आप सेव कर लोगे इस थंबनेल को तो उस समय आपको अच्छी लगेगी देखने में, बट यूट्यूब पे आप जैसे ही अपलोड करोगे आपका थंबनेल दोस्तों एकदम टट्टी हो जाएगा, एकदम बिल्कुल से आपका थंबनेल का क्वालिटी डाउन हो जाएगा। तो जब भी दोस्तों आप थंबनेल्स को सेव करने जाओ देन दोस्तों आप मैक्स योर करके दोस्तों उसे PNG फाइल में सेव करो। जैसे देख सकते हो सेव एज PNG में क्लिक करता हूं तो यहां पे भी आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि दोस्तों यहां पे देखो देखने को मिल रहा है कि यहां पे 2.2 MB का आपको ये फाइल हो जाता है, मतलब ये थंबनेल हो जाता है, बट यूट्यूब पे जो 2 MB से नीचे ही आप एक थंबनेल अपलोड कर सकते हो। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपली से आपको कुछ नहीं करना, जैसे देख सकते हो डायमेंशन में आपको करना क्या, जैसे डायमेंशन में जाना एंड यहां पे थोड़ा सा डायमेंशन आपको छोटा कर देना, जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे छोटा किया, जैसे ही मैंने दोस्तों यहाँ पे 2425 मैंने 2200 कर दिया इसे तो ऑटोमेटिकली से ये 2 MB में आ गया। सिंपली से यहाँ से मुझे सेव कर लेना है, जैसे ही मैं सेव कर लूँगा तो मेरा PNG में सेव हो चुका है, एंड दोस्तों जब भी मैं ये थंबनेल को अपलोड करूंगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों आपका थंबनेल का क्वालिटी कभी भी डाउन नहीं होगा। ये तो हो गया दोस्तों पिकआर्ट, चलिए अब नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ अगर पिक्सल लैब पे आप थंबनेल्स को क्रिएट करते हो तो उस वहाँ पे आपको किस बात का ध्यान रखना है, किस तरह से आपको अपना थंबनेल्स को सेव करना है। तो
चलिए सबसे पहले मैं अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। सपोज डेट कि दोस्तों पिक्सल लैब में मैं आ चुका हूँ एंड मैंने सेम थंबनेल्स को यहाँ पे भी बनाया, तो यहाँ पे आपको किस तरह से सेव करना है। तो सिंपली से दोस्तों आपको सबसे पहले सेव के बटन पे चले जाना, एक्सपोर्ट इमेज के बटन पे चले जाना एंड यहाँ पे आपको करना क्या है, तो सेम देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेट पूछा गया, यहाँ पे PNG सेलेक्ट है। अगर दोस्तों यहाँ पे गलती से भी आप JPG या फिर से सेलेक्ट करते हो तो सेम प्रॉब्लम आपको आएगी, आपको थंबनेल्स अच्छी क्वालिटी में देखने को लगेगी, बट जब भी दोस्तों इसे अपलोड करोगे उसके बाद दोस्तों आपका थंबनेल का क्वालिटी डाउन हो जाएगा। सो यहाँ पे भी दोस्तों आप मेक श्योर करके PNG सेलेक्ट करना। एंड एक बात और, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डायमेंशन पूछा जा रहा है, तो डायमेंशन में क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों आप अल्ट्रा को सेलेक्ट कर लेना, या फिर अगर अल्ट्रा नहीं तो कम से कम दोस्तों हाई या फिर वेरी हाई को आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डिफॉल्ट भी सेव कर सकते हो, उसे प्रॉब्लम नहीं। बट जो यहाँ पे फॉर्मेट है, फॉर्मेट हमेशा PNG ही रखना एंड PNG रख के सिंपली से सेव कर देना। जैसे इसे भी सेव कर दोगे आप, जो से जैसे ही अपलोड करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो थंबनेल है उसका क्वालिटी कभी भी डाउन नहीं होगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन पे बनाते हो तो सेम चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेट हमेशा PNG होना चाहिए एंड डायमेंशन वगैरह आप छोटा बड़ा कर सकते हो, बस फॉर्मेट हमेशा PNG होना चाहिए। तो आई होप कि दोस्तों आपका ये प्रॉब्लम था कि YouTube पे थंबनेल्स को अपलोड करने के बाद थंबनेल्स का क्वालिटी डाउन हो जाता है, तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा। एंड नेक्स्ट टाइम दोस्तों आप जब भी थंबनेल्स बनाओगे तो दोस्तों जो जो चीज़ मैंने वीडियो में बताया अगर उस बातों को आप ध्यान रखते हो तो आसानी से दोस्तों आप भी HD क्वालिटी में थंबनेल्स को यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो भी पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, बिकॉज दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज मिलते रहती है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।